बचपन yeah. से आदत मेरी हंसने मुस्कुराने की, कुछ भी हो लेकिन अपना दुख ना बताने की। चलो तू मैं अपनी ख्वाहिश एक बताता हूँ, वरना मेरी मौत मेरे राज भी दफना देगी। बाल सफेद हो रहे बाप के कमाते हुए, हम घर में चैन से वो डेली जॉब जाते हैं। खुद को ना देखते फिक्र करते औलाद की, हमसे जिक्र ना करते तंगी वो हालात की। कर ली बहुत मेहनत अब आराम उनको देना चाहूँ, मैं घर का छोटा पर सहारा उनका बनना चाहूँ। अपनी कमाई से कराऊँ वालदेन को हज, बस इतनी ख्वाहिश जिसे मैं पूरा करना चाहूँ। मैं नहीं चाहता लूँ बंगला या कोई गाड़ी वाड़ी, माँ की आगोश में मैं घूम लेता दुनिया सारी। शर्मिंदा ना होना मुझे खुदा की अदालत में, अपनी कमाई से करूँ बहन की शादी सारी। छोटी छोटी मेरी ख्वाहिशें हैं जिन्हें पूरा मुझे करना है, उम्मीद बची है सारे मेरे ख्वाबों की, मेरे ख्वाबों को हकीकत में बदलना है। छोटी छोटी मेरी ख्वाहिशें हैं जिन्हें पूरा मुझे करना है, उम्मीद बची है सारे मेरे ख्वाबों की, मेरे ख्वाबों को हकीकत में बदलना है। थोड़ी पुरानी बात मुश्किल की वो घड़ी थी, भरनी थी फीस मेरी पैसों की जब कमी थी। बाप की तनख्वाह मिलने में काफ़ी देर थी, उधार लेकर उसने फीस मेरी भरी थी। ख्वाहिशें पूरी की हमें है पढ़ाया उसने, सोने से भरा निवाला है खिलाया उसने। बस मेरी एक बात सुन लेना मेरे खुदा, वालदेन के मरने से पहले मुझे उठा लेना। सोचता बहुत हूँ मैं, रोता भी हूँ रात को, जख्म तो बहुत हैं पर ना बताता आपको। अगर मैं रैपर बन के हो जाता हूँ कामयाब, खुदा की कसम ना कमाने दूंगा बाप को। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शाबाश 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 शिशु। अरे कलाकार है ब्रो, इधर आओ, इधर इसको बुलाओ, इधर आओ, माइक दो, माइक दो। क्यों लिखा गाना ये? सर कुछ नहीं, मैं देखता हूँ सब माँ के ऊपर लिख रहे होते हैं और हर कोई माँ को कह रहा होता है लेकिन बाप को कोई क्रेडिट नहीं देता। होता है माँ हमें पालती है लेकिन बाप जो हमारे लिए कर रहा होता है उसका शायद लोगों को अंदाज़ा नहीं होता। वो अपनी बस वो उनके ऊपर कितने भी गम हो वो औलाद को दिखाते नहीं है, कि औलाद को हर हाल में खुश रखना चाहते हैं। और वो और मैं अपने पापा का बहुत थैंक्स करूँगा, वो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। आपको याद होगा ऑडिशन में भी वो आए थे मेरे साथ, तो आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे पापा की वजह से हूँ। तो थैंक यू पापा। तुमने इसमें दो तीन लाइंस लिखी हैं कि जब तुम बड़े हो जाओगे और कमाने लगोगे तो अपने वालिद को कमाने नहीं दोगे। जी साहिर भाई, मैं देखता हूँ हम लोग आराम से घर में बैठ के खाते हैं, अच्छे से अच्छा पहनते हैं, उड़ते हैं, लेकिन वो बाप सुबह जॉब पे जाता है, शाम को आता है, उसको ये नहीं पता होता कि मुझे आज पहनना है क्या है, क्या खाना है, क्या करना है। तो इसीलिए बुल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।